ये देखो बाढ़ की वजह से पूरा जो गंगा नदी का जो पानी है ऊपर ऊपर तक आ गया। और यहाँ हमें एक अफ्रीका से यूट्यूबर मिले हैं जावेद। पुराने जमाने की तो उसको यार उठाते कैसे होंगे यार, इतनी भारी जो है। घोड़ा गाड़ी लेके भी चल रहे इधर तो। तो ये है अपना रामनगर पुल, यहाँ से पूरी गंगा नदी आपको दिख जाएगी। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गौरव विलर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे लाइक मी। तो अभी हम लोग आए हैं रामनगर ब्रिज, ये जो बनारस का मोस्ट फेमस ब्रिज है। रामनगर और बनारस को ये वाला ब्रिज कनेक्ट करता है और इसकी लंबाई ऑलमोस्ट कितनी होगी, 1 किलोमीटर, क्योंकि ये जो पूरी गंगा नदी है नीचे से बह रही है, गंगा नदी के ऊपर है ये वाला ब्रिज और ये कनेक्ट करता है रामनगर और बनारस को। और अभी जल स्तर गंगा का बहुत ज़्यादा है, देख के तो दिमाग एकदम ख़राब हो गया। तो आप लोगों को भी बताता हूँ मैं। ये देखो बाढ़ की वजह से पूरा जो गंगा नदी का जो पानी है ऊपर ऊपर तक आ गया। वहाँ सामने घर भी डूब गए हैं सब। और ये रही गंगा नदी, यहाँ से ज़्यादातर घाट दिख जाते हैं। सामने आप देख रहे हो वो सब घाट है, पर घाट पे जा नहीं सकते। आपको बनारस का ट्रैफिक एकदम परेशान कर देगा, तो थोड़ा समय लेके ही आइए। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं रामनगर और ये है किला, अभी यहीं हमें अंदर जाना है। तो गाइस अभी हम लोग रामनगर ब्रिज से ये अपने रामनगर फोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ म्यूजियम है और बहुत सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो किले की है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। पर अभी टाइम कुछ 9:45 हो रहा है और इसका ओपनिंग टाइम है 10 बजे। तो आप अगर इधर आ रहे हो तो 10 बजे ओपन होता है तभी आइए। वो देखो सामने तोप चला रहे हैं उन लोग। ठीक है, ऐसी पब्लिक भी होती है जो तोप में उंगली करती रहती है। सो गाइस अभी हम लोग रामनगर ब्रिज से रामनगर किले पे और यहाँ हमें एक अफ्रीका से यूट्यूबर मिले हैं जावेद क्लिक्स। जावेद नाम है मेरा, मैं अफ्रीका के ब्लॉग बनाता हूँ, साथ साथ में इंडिया का भी ब्लॉग बनाता हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इनका चैनल डाल दूंगा, तो अगर आप अफ्रीका या आउट ऑफ इंडिया के ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर देखिए। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और भैया के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बगैर जाएंगे नहीं। लाइन हम लगाएंगे फिर जाते हैं अंदर रामनगर किला में। यहाँ जो म्यूज़ियम टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक है। और ये जो गेट है किला का, और इसकी जो हाइट होगी ऑलमोस्ट 20 फीट से भी ज़्यादा होगा। ये तो यहाँ से एंट्री लेंगे, टिकट विंडो के बाजू से ही एंट्री लेनी है हमें। वहाँ शिवम भाई टिकट ले रहे हैं और पीछे अफ्रीका वाले यूट्यूबर। तो भाई साहब यहाँ है म्यूज़ियम, यहाँ से पूरा यहाँ तक हमें जाना है, पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि म्यूज़ियम चालू है और अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अंदर जाके मैं आप सभी लोग को कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। और जो इसके जो पीछे है गंगा जी है, और गंगा जी भी नहीं जा सकते क्योंकि वो फ्लडेड हो गई है, उसके वजह से वहाँ जाना अलाउड नहीं है, तो गेट बंद कर दिया है। तो कोई सही चीज़ नहीं है, पर जो अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किला का वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये पुराने ज़माने की तोप, उसको यार उठाते कैसे होंगे, इतनी भारी जो है। अच्छा कुछ डेट वेट भी नहीं लिखी है इन लोगों ने, ये कुछ कोड लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग को कुछ पता है तो ज़रूर इन्फॉर्म करिए, कमेंट वमेंट करिए। 1865 की है ये तोप। तो यहाँ से किला का एंट्रेंस है पर जा नहीं सकते क्योंकि गंगा जी फ्लडेड है पूरी, तो इसीलिए पूरा बाहर से आपको ओवर व्यू दिखाते हैं। मतलब ये पुराने ज़माने का है ना पूरा, तब का ही होगा ना ये तो। पत्र आता था, पत्र। इधर इधर चिट्ठी डाल देते होंगे, फिर जो पोस्टमैन आते होंगे वो ले जाते होंगे। ये देखो पिन कोड यहाँ का ये है ना। यहाँ शूटिंग हिंदी फिल्म की शूटिंग है, चोखरे बाली में आप उस सीन को दिखा के डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। रामनगर किले में फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बात तो सही है, लेकिन अभी कोरोना काल के दौरान ये सब बंद है। सामने जो है रामनगर किला है, वहीं हम गए थे और वो पानी भर चुका है, उसके वजह से हमें ऊपर जाने नहीं दे सकते, इसके वजह से दिक्कत है। पर कोई बात नहीं, अंदर से आपने देख लिया वो जो किला है वहाँ देखो वो पूरा भर गया है पानी से। तो अब हम लोग दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं और वो ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।